वैष्णो माता मंदिर को जा रहे तीर्थयात्रियों पे जो कायराना हमला हुआ उसकी मैं बहुत निंदा करता हूं। ये बहुत निंदनीय कार्य है, ये जो आतताइयों के द्वारा जो हिंदुत्व की छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा कार्य, यह अत्यंत निंदनीय है। मैं जगत जननी पराम्बा माता भुवनेश्वरी से प्रार्थना करता हूं, दिवंगत आत्माओं को माता अपने चरणों में स्थान प्रदान करे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। पीड़ित परिवार है उन सबको माता सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ये शब्दों से संपन्न नहीं हो सकता, मैं बहुत आहत हूं और बहुत आत्मीयता से इस बात को कहूं तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत 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 बुरी तस्वीर है। ऐसी चीजें परमात्मा कभी ना दिखाए। यशस्वी प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आसन पर आसीन होने जा रहे हैं, ये आतताइयों को रास नहीं आ रहा होगा। तीसरी बार बेबाक और ऐतिहासिक व्यवस्था के साथ भारतवर्ष को एक नया आयाम प्रदान करने की छवि के लिए जाने जाने वाले पीएम नरेंद्र मोदी जी की छवि को धूमिल करने का यह प्रयास है। कब तक हम सहन करते रहेंगे? हमारे हिंदू मंदिरों में, हमारे धार्मिक स्थानों पर, हमारे सामाजिक स्थानों पर इस प्रकार की कोई कार्रवाई ना हो सके, इसके लिए कोई कठोर कदम उठाना होगा। अब फिर से हमें बताना होगा, हमें अपनी पहचान बतानी होगी। मैं विनम्रता के साथ भारत सरकार से इसके लिए कोई कठोर कदम उठाने की विनम्र निवेदन करता हूं और आशा करता हूं कि ये जो समस्त सनातनियों की भाषा और आशा है, इस पर जल्द कोई कार्य होगा।